आज जो जुनूनियत का एपिसोड था वो मतलब एक इतने बड़े टर्न के साथ हमें देखने को मिला कि मतलब सीरियसली मैं खुद सोचने लगा कि कितना बड़ा टर्न है। जॉर्डन और जहान एक दूसरे के भाई हैं, क्योंकि जब जहान ने जॉर्डन की फैमिली में सबसे मिलना शुरू किया और क्या कहते हैं जो जॉर्डन के दादा दादी हैं उनसे मिला, उनको गले लगाया, तो एक जो म्यूजिक जो चल रहा था वो मतलब इतना ज्यादा एक ये था कि कुछ ना कुछ है जहान और जॉर्डन की फैमिली के बीच में, कुछ ना कुछ है। और फिर धीरे धीरे ऐसे से बातें हुई, जॉर्डन की दादी ने ये बोला कि डॉली और एक और नाम दिया था जॉर्डन के और जहान के पापा का, अगर वो होते तो आज उनका भी बेटा इतना ही बड़ा होता, ऐसे करके कुछ बोला था। तो मतलब बातें ऐसी हो गई कि हाँ ये जहान ही है, ठीक है, और जहान जॉर्डन का भाई और जहान के मम्मी पापा इनके मतलब जॉर्डन के पापा के भाई थे और इस घर के बेटे थे। और फिर जब जहान के पास वीडियो कॉल आई, फिर वो एक कमरे में गया जहाँ पर हमें फिर फोकस करके दिखाया गया कि वहां पर जहान के मम्मी पापा की फोटो लगी जॉर्डन के मम्मी पापा के मम्मी पापा और दादा जी की फोटो के साथ, तो भाई क्लियर हो गया कि भाई ये जहान के पापा मम्मी का ही घर है। फिर जो बातें और क्लियर हुई वो ऐसे हुई कि हमें फ्लैशबैक दिखाया गया जहाँ पर जॉर्डन जो है वो था ही नहीं, पैदा नहीं हुआ था। जहान के मम्मी पापा वहां से मतलब जा रहे थे और जॉर्डन के पापा यहाँ पे उनको कुछ पैसे दे थे, जॉर्डन की जो मम्मी वो निकालने की मतलब पूरी साजिश की, वह उनको बिहार भेजेगी, उन्हीं की साजिश की वजह से वो गए हैं। अब यहाँ पे भाई जो जॉर्डन है वो तो अपना इलाही के साथ लगा रहता है, जहान जो होता है वो कमरे में बात कर रहा होता है। जॉर्डन की मम्मी आती हैं और देखती हैं कि जहान यहाँ पर क्या कर रहा है, फिर उसके बाद वो पीछे क्या कहते हैं जो क्या नाम है उसका, क्या कहते हैं जो एक पीछे फोटो फ्रेम लगा होता है उसमें, वो वहां पर हम देखते हैं कि जहान के पापा और जहान की अम्मी दोनों की फोटो लगी होती है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा था। और बात फिर पता है क्या होती है, बात आगे जाके चेंज ऐसे होती है कि वो बोलते हैं कि इन लोगों को तो मैं कभी भी इस घर में नहीं आने दूंगी, ये वो करके वो बात कहते हैं। दूसरी तरफ जहान के पापा जो हैं वो यही बात बोलते हैं कि मतलब उनकी बड़ी याद आती है, उन्होंने जो किया पता नहीं। अब मम्मी पापा जो जॉर्डन की और जहान की मम्मी होती है वो बोलती हैं कि अब पता नहीं मम्मी पापा को क्या कुछ पता होगा नहीं होगा, हमारे ऊपर इतना बड़ा चोरी का इल्ज़ाम लगा था, ये लगा था, वो तो हमारे बारे में ऐसे ही सोचते होंगे, उन्हें अब क्या पता क्या असल सच्चा है क्या नहीं, और क्या उन्हें सच सच में पता चल पाएगा या नहीं पता चल पाएगा, इसके बारे में भी नहीं पता। तो ये सब बातें वो लोग मतलब कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है, फिर ये दूसरी तरफ जहाँ जो है वो इलाही को मनाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो हुसना है वो सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड वाला रोल यहाँ पे निभाती हो भाई, जहान तो खूब दुदकारती है खूब बैंड बजाती है। तो जहान बोल रहा है ए तुम चुप करो मैं इलाही से बात कर रहा हूँ, तो वो इलाही से बात कर ले जाता है। तो मतलब उसने एक प्रॉपर जो बेस्ट फ्रेंड होती है ना, या बेस्ट फ्रेंड होते हैं, वो उस वाले रोल को खूबी निभा रही है सच में, और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है देखने में। और फिर बीच में क्या होता है, जॉर्डन जहान के बीच में थोड़ी थोड़ी मतलब रस्सा कसी भी होने लग जाती है कि भाई मैं तुझसे दूर रहने के लिए कहा था तब भी तू यहाँ पे दूर क्यों है, ये है वो है, तू यहाँ पे गिटार क्यों लेके आया, अच्छा बख्शीश मिलेगी, गाना गाएगा, ये वो कहेगा, तो ये सब बातें भी यहाँ पे होने लग जाती है, मतलब इनके बीच में ऐसा कसी बहुत ज्यादा हो रही है। और यहाँ पे इलाही ये सब देख के बोलती है कि देखो ऐसा कुछ मत करो, और जॉर्डन तुम्हारे तो घर का ये फंक्शन है तुम इसको कैंटीन ना बनाओ कॉलेज की, समझे, इसलिए यहाँ पे शांत हो, यहाँ पे कोई भी पंगा मत करो। दूसरी तरफ इलाही जो आती है, मतलब इलाही जब आती है तो उस समय जहान जॉर्डन के मम्मी पापा दादाजी से मिल रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो वहां से आता है वैसे ही इलाही वहां पे आ जाती है उनसे मिलने के लिए। उसके पीछे हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है जॉर्डन की मम्मी की, एंड मैं सीरियसली इस सीन के लिए बहुत बहुत ज्यादा एक अप्रिशिएट करूंगा जिसने सीन के बारे में सोचा, जिसने इस सीन को बखूबी निभाया, यानी कि जॉर्डन की मम्मी, और जिसने शॉट लिया, मतलब इतना ज्यादा परफेक्ट शॉट था, इतना ज्यादा मतलब मजेदार शॉट था कि मैं सोच भी सकता कि ऐसा कोई शॉट भी हो सकता है। मतलब चार पांच शीशे और चार पांच शीशों में लगातार एक साथ जॉर्डन की मम्मी की इमेज, ऐसा मतलब
इतना ज्यादा टैलेंट कूट कूट के भरा तो है इंडिया वालों में, लेकिन वो टैलेंट दिखा नहीं पाता। लेकिन जो भी हो, मुझे सीन आज के एपिसोड का सबसे ज्यादा बेस्ट सीन लगा, तो भाई मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ, इम्प्रेस टू इस प्रॉपर सीन को देखने, मतलब देखने के बाद। बाकी भाई एपिसोड अभी ठीक ही था, ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं था। हाँ, जहान और इलाही की जहाँ पे बात आती थी वहाँ पे लेके बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट होता था, क्योंकि मुस्ना जो है वो बीच में अपनी बेस्ट फ्रेंड का रोल निभाती थी, और यहाँ पे जहान उससे बात कर रहा था, सारी बातें सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए भाई एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आपको आज का एपिसोड मज़ेदार लगा नहीं लगा, और आप आने वाले एपिसोड से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसी तरीके की अपडेट्स रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।